नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ पिंकी। यही नजर डालते हैं आज की खबर पे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का बड़ा बयान, गठबंधन और बने बिगड़े का कोई प्रसंग नहीं देश में, क्योंकि देश का चुनाव एक नए रूप में हो रहा है। नरेंद्र मोदी देश के सजग चौकीदार को हिंदुस्तान राज सेवा सौंपने जा रहा है, उसके सामने सारे दल चमक कर खोकर श्रीहीन हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के आगे सभी गठबंधन अप्रासंगिक हो गए हैं, गठबंधन बने बिगड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। 31 मार्च 2020 तक राहुल गांधी द्वारा 2 लाख नौकरी देने के वादे पर कहा कि झूठ बोलना, कोपल कल्पना करना और फालतू आश्वासन देना कांग्रेस की पुरानी फितरत है। उनके इन बातों पर जनता का भरोसा नहीं। हेमा मालिनी द्वारा मथुरा में खेत की कटाई का फोटो वीडियो ट्रोल होने के सवाल पर कहा कि हेमा मालिनी मथुरा की जनता से दिल से जुड़ी हुई है और हेमा मालिनी प्रचार अभियान के दौरान खेत काटने वाली महिलाओं के साथ अपना लगाव प्रदर्शित किया, इसके लिए हमें मालिनी का अभिनंदन है। मुलायम सिंह यादव के आज नामांकन में शिवपाल के पहुंचने पर कहा कि दोनों भाइयों का पुराना साथ है, मिलकर शुभकामनाएं आदान प्रदान किए हैं तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। वहीं भगोड़े विजय माल्या के आरोप की ज्यादा रुपए मोदी सरकार द्वारा वसूलने के आरोप और हाथ धोकर पीछे पड़ने के ट्वीट पर कहा कि वे देश का भगोड़ा है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विजय माल्या और नीरव मोदी ही नहीं, उनके जेल के दरवाजे तक पहुंचा चुका हूं, बस अंदर डालना बाकी है। ऐसे में सभी भगोड़े भ्रष्टाचारियों को नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले नहीं है। पीएम मोदी द्वारा शराब वाले बयान पर रालोद के महासचिव जयंत चौधरी के बयान की, 1500 करोड़ की भाजपा कार्यालय की ईंट उखाड़ लेने वाले पर महेंद्र पांडे ने कहा कि जिस दल के वे नेता हैं उनकी जमीन की खिसक चुकी है, जमीन खो चुके हैं, वे आत्मसमीक्षा करें, जनता की उनको गंभीरता से नहीं ले रही, तो ऐसे लोगों को गंभीरता से लेने का वक्त हमारे पास नहीं है। मायावती का चंद्रशेखर पर बयान पर बताया कि मायावती दलित वोट खो चुकी हैं, उनकी जमीन खिसक चुकी है, दलित देख रहा है कि मेरे नाम पर दौलत वसूलने वाली को 38 की 38 टिकट पैसे वालों को बेचने वाली, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी दलितों का पांव नरेंद्र मोदी धो रहे हैं, इसलिए मायावती अग्रिम में बयान देकर बचने का रास्ता ढूंढ रही है। वाराणसी से कुलदीप कपूर की विशेष रिपोर्ट। आज मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं को प्रणाम करने के लिए निकला हूं और आज प्रथम दिन दोबारा लोकसभा चंदौली के प्रत्याशी के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए अपने क्षेत्र के मतदाताओं को प्रणाम करने के लिए निकला हूं और अपने कार्यकर्ता साथियों को नमस्कार करने के लिए, उनके भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त करने निकला हूं और जो हमारे पूज्य देवस्थान हैं उनको प्रणाम करने निकला हूं। दिल्ली में राहुल जी ने गठबंधन से मना कर दिया है, आम आदमी पार्टी के साथ इनकार कर दिया है, गठबंधन नहीं होने जा रहा है, ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है। आज अब इन गठबंधन बने बिगड़े इसका कोई प्रसंग नहीं रह गया देश में, क्योंकि देश इस बार का चुनाव एक नए रूप में हो रहा है। एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी, देश का सजग चौकीदार, जिस पर सारा हिंदुस्तान उसे हिंदुस्तान का राज सेवा सौंपने जा रहा है, उसके सामने सारे दल श्रीहीन हो चुके हैं, चमक खो चुके हैं। इस नाते कोई गठबंधन बने बिगड़े, आज नरेंद्र मोदी के जनता के बीच जो प्रेम है उसके चलते सारे गठबंधन अप्रासंगिक हो चुके हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 2020 तक, 31 मार्च 2020 तक 2 लाख नौकरियां दे देंगे सरकारी, अगर सरकार में आए तो 2 लाख। झूठ बोलना, कपोल कल्पना करना, फालतू आश्वासन देना कांग्रेस की पुरानी फितरत है, उनके इन सब बातों में जनता का कहीं भरोसा नहीं है। अध्यक्ष जी, हेमा मालिनी जिस तरह से मथुरा में सच धज के हसिया लेके खेत में कटाई कर रही है, वो बड़ा वायरल हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हैं कि अगर इनको पहले क्यों नहीं याद आई किसानों की और फसलों की। आप हेमा मालिनी मथुरा की जनता से दिल से जुड़ी हुई हैं और हेमा मालिनी प्रचार अभियान के दौरान खेत काटने वाली महिलाओं के संग अपना लगाव प्रदर्शित किए, इसके लिए हेमा मालिनी का अभिनंदन है। मुलायम सिंह यादव जी नामांकन करने जा रहे हैं, उससे पहले शिवपाल यादव उनसे पहुंचे, बधाई देने, शुभकामना देने पहुंचे, क्या लगता है कि मिले हुए हैं या फिर दिखावटी अलग अलग हैं?
अब ये दोनों भाइयों का इतना पुराना साथ है, अपना में मिले होंगे, शुभकामना आदान प्रदान, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। शराब कारोबारी जो भगोड़ा जो विजय माल्या है उसका आरोप है मोदी सरकार पर सीधे सीधे कि 9,000 करोड़ रुपए का मात्र बकाया था और 14,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने वसूल लिए, उसके बावजूद हाथों के पीछे पड़ा है मोदी सरकार उनके, इसलिए कि वो देश का भगोड़ा है। और नरेंद्र मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कल कह दिया कि जेल के दरवाजे तक पहुंचा चुका हूं, बस अंदर डालना बाकी है। तो ऐसे सारे भगोड़े भ्रष्टाचारियों को नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के शराब वाले जो बयान है सपा बसपा और रालोद के, उसको लेकर जयंत चौधरी खासे नाराज है। वो कहेंगे जो 1500 करोड़ रुपया लगा के बीजेपी दफ्तर बनाया गया है 5 स्टार, उसकी एक भी ईंट बचेगी नहीं इस बार। आज जिस दल के वो नेता हैं उस दल की पूरी ईंट खिसक चुकी है, जमीन खो चुके हैं लोग। ऐसी टिप्पणी वो अपने बारे में आत्मसमीक्षा करें। और मोदी जी का वह बयान यह है, जो दल हैं इन दलों ने जो विकार पैदा किया है उसके बारे में उनका बयान। धमकी दे रहे हैं सर, धमकी दे रहे हैं सीधे आपको, क्यों नहीं आप लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं? हम जनता जब उनको गंभीरता से नहीं ले रही तो हमारे पास ऐसे लोगों को गंभीरता से लेने का समय नहीं है। चंद्रशेखर के बात पे कहा है कि भाजपा की साजिश है। मायावती दलित वोट खो चुकी है। मायावती का या चंद्रशेखर के बारे में बयान इस बात को एहसास कराता है कि मायावती की जमीन खिसक चुकी है। दलित देख रहा है कि एक तरफ मेरे वोट बैंक के नाम पर दौलत वसूलने वाले, 38 में 38 टिकट पैसे वालों को बेचने वाली, और एक हमारी सबका पांव धो के दलितों की सेवा करने वाला नरेंद्र मोदी। इसलिए मायावती अग्रिम में ये बयान दे के अपने बचने का रास्ता ढूंढ रही है।